हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रिटिक्स चैनल, द पार्ट ऑफ अन एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। ये नोटिफिकेशन बेल आपको हमेशा हमसे कनेक्टेड रखेगी। और अगर आप स्टूडेंट हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, देन दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट, ESC एंड अदर एग्जाम्स। सो गाइज, सेशन को स्टार्ट करने से पहले उस बच्चे का नाम, जैसे मेरे आंसर का सही जवाब दिया है तो श्रेया सिंह ने मेरे आंसर का सबसे पहले सही जवाब दिया है, तो बेस्ट ऑफ लक श्रेया एंड फॉर फ्यूचर एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग अवर सेशन, लेट्स टॉक अबाउट प्लस सब्सक्रिप्शन। दिस इज अवर टीम, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट। आप इनसे कनेक्ट होकर अपना लर्निंग प्रोसेस हाई कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पर इनसे कनेक्ट हो जाइए आप। दिस इज अबाउट myself Rahul Sharma, I have 6 year teaching experience in field of GATE and ESC. This is my code. आप मेरा कोड यूज करके अनअकैडमी प्लस पे 10% डिस्काउंट ले सकते हैं, और टीम मेंबर के, हमारे किसी भी टीम मेंबर का आप कोड यूज कर सकते हैं। सो दिस इज माई कोड, ठीक है, Rahul11। आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का एडवांटेज क्या है? सबसे पहली बात बेटा, आपको फिक्स टाइम पर क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। आपको क्या कहते हैं, गेट और ESC के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगी। इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स, जिनके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं, और भी डिफरेंट एजुकेटर्स हैं जो अनअकैडमी प्लस पर जुड़े हुए हैं, आप उनके भी लेक्चर देख सकते हैं। क्रैश कोर्स आपको मिलेगा रिविजन करने के लिए, मतलब ये है कि जैसे जानते तैयारी करते जाते हैं तो सिलेबस बढ़ता जाता है, तो उसके रिविजन के लिए भी यहां पर क्रैश कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। फिर एंटायर गेट ESC सिलेबस ऑन टाइम आपका कंप्लीट होगा, जिससे आपको प्रॉपर रिवीजन करने का टाइम मिलेगा। लेक्चर, यहां पर कोई बाउंडेशन नहीं है लैंग्वेज का, आपको जो भी पसंद है आप उस लैंग्वेज के अंदर अपना लेक्चर देख सकते हैं, कोई डाउट आपका अनसॉल्व नहीं रहेगा। लाइव क्लास में भी आप अपने एजुकेटर से क्वेश्चन सेंड करके पूछ सकते हैं, वो उस पर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। लैपटॉप, कंप्यूटर और फोन, बेटा किसी भी फॉर्मेट में आप इस पे जुड़ सकते हैं। इवन दैट ऐसा नहीं है कि एंड्रॉइड के लिए अलग से लेना है और आपको कंप्यूटर के लिए अलग से देना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। फिर नेक्स्ट है डाउट सेशन, हर 3 क्लासेस के बाद एक डाउट सेशन है। मान लीजिए 1, 2, 3 क्लास हो गई तो 4th क्लास जो होगी वो डाउट सेशन होगी। 3 क्लासेस में जो प्रॉब्लम आई है वो आप अपने एजुकेटर से इस क्लास के अंदर पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिससे आप एग्जैक्ट एनवायरमेंट ऑफ एग्जाम से इंट्रोड्यूस हो पाएंगे, टाइम को मैनेजमेंट कर पाएंगे और प्रेशर को बियर कर पाएंगे, कैसे हैंडल करना है एग्जाम में, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सेशन को स्टार्ट करेंगे। दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल। बेटा बच्चे पूछते हैं, सर आपके PDF कहाँ मिलते हैं? बेटा यहां मिलते हैं, जैसे ही लेक्चर खत्म होता है तो आपको वहां PDF मिल जाता है, ठीक है। इस हैशटैग को आप वायरल कर दें, #GatePrepDaily, इसे बच्चे आप वायरल कर दीजिए। आप जैसे ही यूट्यूब पे डालेंगे #GatePrepDaily, आपको हमारे वीडियोस इसमें मिलेंगे, ठीक। फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, अपने जो भी रिसोर्सेज हैं तैयारी के वो मिल जाएगा, ठीक है। इसे शेयर भी कर सकते हैं और अपने डाउट्स भी आप पूछ सकते हैं। हमारे मिशन के साथ कनेक्टेड हो जाइए गाइस 2021 के लिए, ठीक है। और #GatePrepDaily को क्या कर लो, आप वायरल कर दो, ठीक है। गेट प्रिपरेशन डेली, #GatePrepDaily। नेक्स्ट है कि वीडियो को सपोर्ट करो बेटा, ज्यादा से शेयर कर दो। आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन पढ़ाने वाला हूँ, और इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन को पढ़ाने से पहले मैं करूंगा ट्रैक्शन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात, ठीक है। मैं टॉपिक पे बाद में, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको पता होनी चाहिए जिससे आपका इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में बने। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन। सो गाइस, जैसे कि एज यू नो दैट इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन, मतलब सबसे पहले जो हमारी इंडिया में ट्रेन स्टार्ट हुई थी वो कहां से हुई थी, पुराना नाम है, आज के डेट में से मुंबई कहते हैं, बट पहले क्या कहते थे, बॉम्बे टू थाने, 1853 अप्रैल 1853 में सबसे पहली ट्रेन जो चली बॉम्बे टू थाने के बीच में चली। अब ट्रेन के बारे में बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेल। रेल, व्हाट इज रेल? रेल इज ऑल अबाउट ट्रैक, सारी बात ट्रैक की है इसके अंदर, ठीक है। आप जो है सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे ट्रैक्स का,
ठीक है। दूसरी बात, बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं सर आप पीपीटी पे क्यों नहीं पढ़ा रहे। बेटा मैं इसके अंदर पीपीटी भी यूज करने वाला हूं, 75% मेरा कंटेंट पीपीटी से ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं आपसे बोर्ड गेज की, ठीक है। तो बोर्ड गेज किसे कहते हैं, और इसका नाम आपने सुना भी होगा, इसे वाइड गेज भी कहते हैं, ठीक है। तो वाइड गेज मतलब कैसे डिफाइन करा गया, डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रैक्स के बीच में जो डिस्टेंस है उससे ये चीज डिफाइन करी गई। इसका सिंबल आपको याद रखना है क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको इस सिंबल से पता भी चलेगी आगे। 5 feet 6 inch इसकी डिस्टेंस है। दूसरा है गाइस मीटर गेज, मीटर गेज इसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा वाई से, इसका सिंबल है। और ये कितने का होता है, 3 feet, इट इज अराउंड 3 feet। नेक्स्ट होता है बेटा नैरो गेज, ठीक है। नैरो गेज में क्या होता है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जेड से, और इसकी डिस्टेंस होती है 2 feet 6 inch। फिर आपका होता है एनोदर नैरो गेज। आप बोलेंगे क्या सर इस पर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आ भी सकते हैं, क्यों नहीं आते, इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे कुछ आपको रेलवे के बारे में ना कुछ अच्छी चीजें पता चलेंगी, शायद कभी आप ये लेक्चर लेने के बाद चीजों को ऑब्जर्व करें तो आपको पता चल जाएगा, कुछ इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी, वो आगे आपको मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक्स, आगे चलते हैं गाइस, ठीक है। अब एक चीज आती है क्लासिफिकेशन ऑफ लोकोमोटिव, क्लासिफिकेशन ऑफ लोकोमोटिव। कैसे करते हैं, तो बेटा क्लासिफिकेशन आप लोकोमोटिव जब आप ट्रेन को आते हुए देखते होंगे तो ट्रेन के इंजन पे बड़े अजीब अजीब से नंबर होते हैं, WAMP 3 पता नहीं, और हमें पता नहीं होता इसका क्या मतलब है, लेकिन एज एन इंजीनियर हमें रेलवे के बारे में ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो शब्द होते हैं या तो ये 4 letter का होता है या कभी कभी ये 5 letter का भी होता है। तो पहला जो लेटर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट लेटर जो होगा गाइस वो रिप्रेजेंट करेगा उसका टाइप ऑफ ट्रैक, मतलब अगर W है तो मतलब क्या हो गया, गाड़ी बोर्ड गेज की है, अगर Y है तो गाड़ी मीटर गेज की है। गाइस वीडियो को शेयर करते रहो, ठीक है ना, मैं वीडियो के अंदर एनर्जी लेवल को बनाए रख रहा हूं, ठीक है, ये इतना इजी नहीं होता मैं, और वहां पर कमेंट में भी आपके साथ अवेलेबल रहता हूं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो काफी मेरे एफर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, टीम के एफर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे साथ आखिरी तक बने भी रहते हैं, नैरो गेज, और फिर आता है आपका एनोदर नैरो गेज। ठीक है, तो गाइज ये तो हो गई पहले लेटर की बात, अब गाइज आता है इसी में सेकंड लेटर, क्योंकि जब मैंने बोला 4 हैं 5 है ना, तो इसमें अगला क्या आएगा आपका, सेकंड लेटर आपको बताएगा लोकोमोटिव पावर के बारे में। लोकोमोटिव पावर का टाइप मतलब अगर डी शब्द है then it will be run by diesel, it is diesel power, अगर C शब्द है
then it will run on DC supply. और अगर A word है then it will run on AC supply. ठीक, और अगर CA word है then it will be run on DC and AC supply. और अगर B है then it will be run on battery. तो आई होप ये चीज आपको यहां तक क्लियर हो रही होगी, समझ में भी आ रहा होगा. फिर आपका आता है थर्ड लेटर. थर्ड लेटर जो होता है बेटा वो बताता है टाइप ऑफ ट्रैफिक. टाइप ऑफ ट्रैफिक के मतलब क्या हो गया इसका, यानी जी फॉर गुड्स, ठीक है, पी फॉर पैसेंजर, एस फॉर शंटिंग. शंटिंग वाले आपने देखे होंगे इंजन, जो अकेला एक इंजन प्लेटफॉर्म पर दौड़ता रहता है, इट इज अबाउट शंटिंग. ठीक है, वो गाड़ियों को इधर से उधर लगाता रहता है. ठीक है, एम फॉर मिक्स्ड, ठीक है, एम फॉर मिक्स्ड. अब बात करूंगा बेटा फोर्थ लेटर की. तो ये आपको बताता है बेटा पावर के बारे में, कितने एचपी हैं. ठीक है, अगर 1 लिखा है देन इंजन इज ऑफ 1000 एचपी. ठीक है, 2 लिखा है देन इंजन इज ऑफ 2000 एचपी. 3 लिखा है तो इंजन ऑफ 3000 एचपी. ठीक है गाइस, और लास्ट में यहीं पे शायद अगर मेरे पास स्पेस है तो मैं यूज कर लेता हूं वर्ड, नहीं नेक्स्ट पे ले लेते हैं, इतनी कंजूसी सही नहीं है. फिफ्थ लेटर क्या बताएगा बेटा आपको, ये बताएगा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट पावर. एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट पावर. एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट पावर मतलब मान लीजिए यहां पर लिखा है ए देन 100 एचपी एक्स्ट्रा. तो मैंने वहां पर एचपी लगाया है, एक मिनट लेट मी चेक. हाँ लगाया. ठीक, फिर बी. बी मतलब हो गया आपका 200 एचपी. और अगर सी की बात करेंगे इट इज 300 एचपी. और फोर की बात करेंगे तो बेटा ये सॉरी फोर कह रहा हूं, इट इज डी. तो डी की बात करूंगा तो इट इज 400 एचपी. अब सर ये पता नहीं आपने क्या क्या बता दिया है, थोड़ा एग्जाम्पल देके बताओ. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल दैट विल मेक यू क्लियर. अब आप ऐसा इमेजिन करो आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, इंजन आ रहा है और इंजन पे एक नंबर पड़ा हुआ है. अब वो आपकी आंखों के सामने कुछ इस तरीके से आता है WDM3A, उस पे ये है. तो आपने बोला, सर ने बोला था 4 लेटर होते हैं 5 लेटर होते हैं, तो यहां पर 5 लेटर है. तो यहां पर W जो होगा आपका इट विल रिप्रेजेंट द बॉड गेज, इट विल रिप्रेजेंट द, तो जो वो गाड़ी होगी वो कैसे उस पर चल रही होगी, इट विल रिप्रेजेंट इज गेज, बॉड गेज. ठीक है, द डी रिप्रेजेंट पावर इज रनिंग ऑन डीजल. ट्रैफिक इज मिक्स टाइप. हॉर्स पावर 3000 एचपी.
This represent 100 HP, total power 3100 HP. मतलब आपके जो गाड़ी आप देख रहे हैं वो बोर्ड गेज ट्रैक पर चलने वाली है, डीजल इंजन से चल रही है, उसमें पैसेंजर भी हो सकते हैं, उसमें गुड्स भी जा सकता है उससे, और उसकी जो पूरी पावर होगी 3100 HP होगी. ओके गाइस, आई होप ये चीज आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी. तो ये चीज मैं लास्ट में पूछूंगा एक क्वेश्चन के साथ, ठीक है? तो यहां तक मेरे को लगता है आपको चीज समझ में गाइस आ गई होगी, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम और आगे बढ़ते हैं. अब बात करूंगा बेटा डीसी ट्रैक्शन के बारे में. डीसी ट्रैक्शन सिस्टम कितने वोल्टेज पर रन होता है? 1500 वोल्ट पर होता है, ठीक है? आज की डेट में इंडिया में कहां पर है? मुंबई में है. तो यहां पर भी कितने टाइप के होंगे? ये मिक्स टाइप, दूसरा आपका पैसेंजर टाइप, तीसरा आपका गुड्स टाइप. एक एक एग्जांपल ले लेते हैं इनका, है ना? जैसे मान लीजिए आपको दे दिया WCM1, इसका मतलब बताना, ठीक है? या WCP1 या WCG1, ऐसे ले लिया हमने. ब्रॉड गेज पे चलने वाला डीसी सप्लाई से मिक्स्ड है, पैसेंजर भी ले जा सकता है, गुड्स भी ले जा सकता है. 1000 HP उसकी पावर है, ठीक है गाइस? नेक्स्ट आता है हमारे पास एसी ट्रैक्शन सिस्टम. ठीक है, एसी ट्रैक्शन सिस्टम, रुको मैं लाइन बना देता हूं. ठीक, एसी ट्रैक्शन सिस्टम. ठीक, एसी ट्रैक्शन सिस्टम में भी क्या है? तीन टाइप आ जाएंगे इसी तरीके से. मिक्स टाइप, ठीक है, पैसेंजर टाइप, गुड्स टाइप. ठीक गाइस, तो इसमें भी क्या है, मिक्स टाइप में क्या हो जाएगा? WAM1, ठीक है, नंबर हो गया आज का. और यहां पैसेंजर टाइप में क्या हो गया? WAP1. गुड्स टाइप में क्या हो गया? WAG1. ठीक है, तो आपने ये सब चीजें पढ़ी होगी. और एक होता है इन दोनों का भी मिक्स होता है, तो मिक्स वाले में क्या हो जाता है, यानी डीसी एसी ट्रैक्शन सिस्टम, इस वाले में क्या होगा बेटा, या तो मिक्स्ड होगा या गुड्स होगा. ठीक है, या तो मिक्स होगा या गुड्स होगा. ठीक गाइस, सो एक मिनट मैं अपना, हो सकता है यहां पर, ठीक, मुझे लगा था अपनी बैटरी डाउन ना हो जाए. ठीक, तो बेटा यहां पर क्या होगा, मिक्स टाइप होगा और गुड टाइप्स होगा. तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? WCAM1 या WCAG1. जहां CA वर्ड आ गया, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं AC या DC का हम यूज करेंगे. सो माय डियर, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हैं. और सबसे अच्छी बात क्या बेटा, ये ना आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं सब्जेक्ट के बारे में, कि यहां रेलवेज में अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो रेलवे इज ऑल अबाउट लाइफलाइन ऑफ इंडिया. ठीक है, लेकिन इस वक्त तो सब चीजें बंद है, तो देखिए कंडीशन कितनी सीरियस है.
तो मैंने आपको ये थोड़े इंटरेस्टिंग चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक, तो आगे कंटिन्यू करता हूं मैं आपके साथ, अब चीजें स्टार्ट करेंगे अच्छे से। तो बेटा ट्रैक्शन पे जाने से पहले कुछ इतिहास और जान लेते हैं। मतलब क्या, शोले मूवी आपने देखी होगी, ठीक है, शोले मूवी के अंदर या गदर मूवी में आपने पुराने टाइम में एक स्टीम इंजन देखा होगा जिसमें दो आदमी कोयला फर्नेस के अंदर वहां पर डालते रहते हैं और इंजन हमारा रन होता था, है ना। तो यहां पर क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका स्टीम इंजन था, सबसे पहले जो चीज है जो स्टीम इंजन के बारे में आपको बताता हूं मैं, कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। यहां पर विद द हेल्प ऑफ स्टीम जो हमारा इंजन था उसे हम रन कराते थे, और आपको पता है 1 किलोमीटर रन करने के लिए उस स्टीम इंजन पर कितना कोयला लगता था बेटा, इट्स अबाउट, अगर स्टीम इंजन की मैं आपसे बात करूं और उसे 1 किलोमीटर जाना है तो बेटा वो 25 से 30 केजी पर किलोमीटर कोल को क्या करता था, कंज्यूम करता था, कोल कंजप्शन, कोल कंजप्शन, ठीक है। इसकी मैक्सिमम पावर क्या थी, मैक्सिमम एचपी बेटा इट्स अबाउट अप टू 1500, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसमें स्टीम का प्रेशर कितना होता था, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकती हैं चीजें। 1 to 5 kg per cm², 1 to 5 kg per cm². दूसरी बात है बेटा, एक प्रॉब्लम थी इस इंजन के साथ, ड्यू टू द पल्सेटिंग टॉर्क, ये इंजन का जो अगर मान लीजिए वहां पर ट्रैक पर फ्रिक्शन कम है तो पल्सेटिंग टॉर्क की वजह से जो उसका व्हील था वो वहां पर स्किड कर जाता था, मतलब उसी जगह पर क्या हो जाता था, हमारा जो व्हील था वो घूम जाता था और हमारा जो स्टीम इंजन है वो क्या नहीं हो सकता था, वो आगे मूव नहीं कर पाता था। तो यहां पर एक प्रॉब्लम थी ड्यू टू पल्सेटिंग टॉर्क, देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ स्किडिंग, देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ स्किडिंग एंड जोल्टिंग, ठीक है। तो आप देखना इन चीजों को। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम गुजरा तो स्टीम इंजन को रिप्लेस कर दिया डीजल इंजन ने, डीजल इंजन आ गए। अब डीजल इंजन भी क्या था, उनके साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम था, एफिशिएंसी कम थी, स्टार्टिंग टॉर्क इतना अच्छा नहीं मिलता था, तो आपको पता होना चाहिए डीजल इंजन के अंदर भी क्या होता था, एक आईसी इंजन था वो जनरेटर को रन करता था, यानी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती थी, फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सारी मोटर्स में जाता था और फिर से उसे क्या करते था, मूव कराते थे मोटर्स को, यानी फिर से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती थी। तो डीजल इंजन की जो एचपी है इट्स अबाउट 5000 एचपी तक के डीजल इंजन से, ठीक है। तो अपनी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है जो हम देखते हैं और ये जो नॉलेज है किताब वाली सी, ठीक है, जो एग्जाम्स में पूछी जाती है उसे रिलेट मत करना इस सब्जेक्ट में, ठीक है। बाकी आगे चीजें चलते हैं, अब स्टार्ट करेंगे, मैंने आपको चीजें बता दी हैं, ठीक है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था इस पे, स्टीम और डीजल पे, सीधा मुद्दे पे आएंगे।
जनरली अगर बात करूं मैं आपसे, अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन क्या होता है, तो मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर लोकोमोशन कराने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स की जरूरत पड़ती है, ड्राइविंग फोर्स जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर से लिया जाता है, ठीक है, अगर आपको कोई चीज मूव करानी है, ए प्लेस से बी प्लेस लेके जाना है, उस चीज को अगर आपको मूव कराना है, ट्रेवल कराना है, तो जो फोर्स आपको लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स, वो क्या है आपका, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन के थ्रू, यानी आपको जो मूवमेंट है आपका विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पर डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिखी हुई है, पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है, नॉर्मल है, इसमें ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है, बट आगे देखते हैं। एक मिनट, ये कैसे हो गया। अब आगे बात करूंगा बेटा, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन। सबसे पहला एडवांटेज बेटा क्लीननेस, जाहिर सी बात है, अगर आप कंपेयर करें उसे डीजल से, या उसे कंपेयर करें आप स्टीम से, तो स्टीम में जो काम करने वाले वर्कर है और वहां का जो एनवायरनमेंट था, क्या बिल्कुल क्लीन था? बिल्कुल नहीं। कोयला अगर जलता था तो उससे राख पैदा होती थी, और उस राख से या ऐश से पूरा उस जगह का केबिन का एरिया क्या होता था, खराब होता था, और वो जो वर्कर्स हैं वहां पर, ड्राइवर्स हैं, उनके लिए भी वो हार्मफुल था, ठीक है। तो यहां जबकि इलेक्ट्रिकल में ऐसा नहीं है, यहां पर मेंटेनेंस कॉस्ट कैसा है बेटा आपका, लो है, ठीक है। दूसरा है स्टार्टिंग टाइम इसका, यहां पर लो है एकदम। रेस्पॉन्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन इज वेरी फास्ट। अगर आपने ऑब्जर्व करा होगा, तो अगर आपने डीजल वाला जो इंजन होता है, अगर उसके अंदर आपने सफर कराया, तो आप देखेंगे प्लेटफॉर्म पे उसकी स्पीड बड़ी स्लो रहती है, लेकिन वहीं पर अगर इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी को अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को, तो प्लेटफॉर्म को जब तक वो लीव करती है, तब तक वो एक अच्छी खासी स्पीड में आ जाती है। तो यहां पर जो ट्रांसमिशन है एनर्जी का, वो काफी फास्ट होता है, तो जिसकी वजह से स्टार्टिंग टाइम क्या है, बहुत लो है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क, यानी स्टार्टिंग टॉर्क अगर हाई है, तो मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज जो इसका मिलता है शेड्यूल स्पीड्स में, ठीक है, हाई अब ये शेड्यूल स्पीड क्या होती है, कल सारे टर्म्स आएंगे, ये सब वहां मैं डिस्कस करूंगा। ब्रेकिंग, गाइज आपने एक ब्रेकिंग का नाम सुना होगा, अगर मैं मैकेनिकल ब्रेक लगाता हूं, तो जो मेरी सारी एनर्जी है मोशन की, वो क्या हीट एनर्जी में वेस्ट होके, ब्रेक के थ्रू सारा वेस्ट हो गई एनर्जी, लेकिन मैं यहां पर इस तरीके की रीजनरेटिव ब्रेकिंग का क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं, जिससे क्या होगा, एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग एनर्जी ट्रांसफर्ड टू सप्लाई सिस्टम, ठीक है, ठीक। दूसरी बात, हाई ग्रेड कोल, यानी जिसका यूज हम बिजली बनाने में कर सकते हैं, ठीक है, जैसे एंथ्रेसाइट, इसके अंदर किस तरीके का कोल यूज करते थे, एंथ्रेसाइट, वो क्या होता है, हाई कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, तो उसे हम बर्न करने की बजाय अगर बाहर, अगर किसी दूसरी कंट्री को बेचते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे हमारा क्या होना है, फायदा होना है, तो सेविंग ऑफ हाई ग्रेड कोल, ठीक है। दूसरा, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब बेटा लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो जो कर्व है, जो कर्व आएंगे, मोड़ आएंगे, वहां पर आपको स्पीड कम करनी नहीं पड़ेगी एज कंपेरिजन टू दीज टू टाइप ऑफ डीजल और स्टीम ट्रैक्शन, ठीक है। आप इससे क्या होगा, हमारा जो रनिंग टाइम है, जो हमारा जो ओवरऑल टाइम है, उसका क्या हो जाएगा, इंप्रूवमेंट हो जाएगा, तो आपको मोड़ पर स्पीड कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एब्सेंस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, तो बेटा यहां पर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एडेशन, ये सारे पॉइंट्स कल आएंगे, बात करूंगा मैं आपसे, कोफिशिएंट ऑफ एडेशन क्या होता है, हाई होता है, कोफिशिएंट ऑफ एडेशन जब हाई होगा, तो इससे क्या होगा, आपका जो वेट टू टॉर्क है, वेट अपॉन किलोवाट का जो रेशियो है, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, और आपका जो ट्रैक है, इस बस इतना याद रखो, ट्रैक में जो वियर है और टीयर है, वो कम होंगे,
wear and tear in track is blue. I hope ये advantages थे electric traction के. अब बात करते हैं बेटा इसके disadvantages के बारे में. तो बेटा ये वाली जो points है ना, ये वाला ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में याद रखने हैं, ठीक है. डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, भाई जाहिर सी बात है अगर आपको चीजें अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं तो आपको सबसे पहले क्या है, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है. आपको इनिशियल कॉस्ट क्या है, पूरा आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, वायर, कैटलरी, फिर पेंटर, आइसोलेटर्स, पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक छोटे छोटे सब स्टेशन क्रिएट करने पड़ेंगे, तो उसमें क्या होगा, खर्चा होगा, जबकि डीजल के अंदर ऐसा नहीं था. तो यहां पर इस चीज का एक डिसएडवांटेज है, कॉस्ट हाई है. दूसरा क्या है, अगर आपका कैटेनरी टूट गया कहीं से, ब्रेक हो गया, तो यानी सप्लाई आपकी क्या हो गई, फेल हो गई. सप्लाई फेल हो गई तो ट्रेन के अंदर नहीं पहुंचेगी और ट्रेन आपकी वहीं की वहीं क्या हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, ठीक है, स्टॉप्ड हो जाएगी. तो ये भी एक डिसएडवांटेज है. दूसरा, कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस. गाइज जब पुराने टाइम, अब तो नहीं लेकिन पुराने टाइम में जब आपका कम्युनिकेशन डिवाइसेस के जो वायर होते थे वो रेलवे ट्रैक के साथ ही जाते थे, तो उसके अंदर क्या होता था, जब आप इतनी हाई वोल्टेजेस यूज करेंगे तो इसकी वजह से आपका बिल्कुल वही जो आप चीजें पढ़ते आते हैं पावर सिस्टम में, रेडियो इंटरफेरेंस होगा. रेडियो इंटरफेरेंस रेडियो इंटरफेरेंस होगा और रेडियो इंटरफेरेंस से आपका जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन विल गेट डिस्टर्ब ऑन नॉइसी. ठीक है. दूसरी सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रिफाइड रूट होना चाहिए. मतलब वहां पर अगर आपका वायर ही नहीं पड़ा, आपने कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम या इलेक्ट्रिकल कैटेनरी वगैरह वायर्स नहीं बिछा रखे ऊपर, है इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम वहां पर नहीं है, तो ऐसी जगह पे आप इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कभी यूज कर ही नहीं सकते, समझ में बात. तो ये देखिए इलेक्ट्रिफाइड रूट्स पे ही चल सकता है. तो ये कुल मिलाकर जो है कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन के, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के. गाइज ये वही बात है, सिक्के के दो पहलू, कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है, बट ज्यादातर अगर देखेंगे तो एडवांटेजेस हमें ज्यादा मिलते हैं. सो आगे मूव ऑन करते हैं गाइज. अब बात करेंगे सिस्टम ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब कितने टाइप का है. तो सबसे पहली बात क्या है, हम जो सप्लाई यूज करते हैं डायरेक्ट करंट सिस्टम भी यूज करते हैं, सिंगल फेज एसी भी यूज करते हैं, थ्री फेज भी करते हैं, कंपोजिट सिस्टम का भी हम इसके अंदर यूज करते हैं. तो कंपोजिट सिस्टम जैसे कैंडो सिस्टम आएगा आगे, सिंगल, ये पॉइंट आपको याद रखना, और ये वोल्टेजेस रेंज 600 वोल्ट, 700, 750 वोल्ट. अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया था 1500 वोल्ट होता है, लेकिन कोई आपसे ट्राम के लिए पूछेगा तो आप बोलेंगे इतना, इतनी वोल्टेज का हम यूज करते हैं, ठीक है. सिंगल फेज एसी सिस्टम, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखो गाइस, ये वैल्यू प्लीज आप अपने माइंड में रखें, ये एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, ये रेंज भी पूछी जाती है. थ्री फेज एसी सिस्टम 3000 to 3500 और लो फ्रीक्वेंसी है यहां पर, ठीक है. तो ये अपने माइंड के अंदर आपको संभाल के रखना है, ठीक है, ये चीजें पूछ ली जाती है, ठीक. तो मूव ऑन करते हैं, इन सारे के सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को हम क्या करते हैं, वन बाय वन डेप्थ में पढ़ते हैं. तो गाइस सबसे पहला हमारे पास है डायरेक्ट करंट सिस्टम. तो डायरेक्ट करंट सिस्टम में क्या है गाइस, जो ऑपरेटिंग वोल्टेजेस है वो कितना है, 600 है, और जो सब स्टेशन आप सेटअप करेंगे वो 3 to 5 किलोमीटर पे सेटअप करेंगे, और यहां पर एप्लीकेशन है डीसी गार्ड, ट्रामवेज, ट्रॉली, बस, ठीक है. अगर आप वोल्टेज यूज कर रहे हैं 1500 to 3000, देन सब स्टेशन इज रिक्वायर्ड एवरी 30-40 किलोमीटर यूज फॉर मेन लाइन सर्विस, मतलब जहां लॉन्ग डिस्टेंस हमें जाना होता है, तो वहां पर आपका क्या है, मेन लाइन सर्विस कहते हैं.
तो गाइज यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, आप कहेंगे सर स्पेसिंग बिटवीन सब स्टेशन इन किलोमीटर, बेटा एक बात बताओ, जो वायर है आपका उसमें कहीं ना कहीं वोल्टेज तो ड्रॉप होगा ना पर किलोमीटर पर, तो उस वोल्टेज लेवल को मेंटेन बनाए रखने के लिए सब स्टेशन की जरूरत पड़ेगी। तो वो जो सब स्टेशन है, अगर आप 600 वोल्ट यूज कर रहे हैं तो वो हर 600 लेवल को मेंटेन करने के लिए हर 3 से 5 किलोमीटर के ऊपर आपको क्या लगेगा, एक सब स्टेशन लगेगा। तो सिस्टम की कॉस्ट क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। देखते हैं ये काम कैसे करता है। बेटा इसके अंदर कुछ नहीं है, आप ग्रिड से पावर लेते हैं, ठीक है, ग्रिड से पावर लेंगे, जो आपकी स्टैंडर्ड है पावर वही लोगे आप, 3 फेज 50 हर्ट्ज, दिस इज वोल्टेज रेंज। फिर ये पावर कहां जाएगी, ये पावर सब स्टेशन के अंदर जाएगी जो मैंने अभी बताया। ये सब स्टेशन के अंदर क्या लगे होंगे, रेक्टिफायर्स लगे होंगे, जो रेक्टिफायर का काम क्या हुआ, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, और आपको इससे वोल्टेज मिलेगी 600 से 3000 वोल्ट डीसी तक। फिर ये डायरेक्ट कहां जाएगी, ये डायरेक्ट लोकोमोटिव में जाएगी, ऊपर आपका कैटेनरी लगा होगा, इस कैटेनरी से ये लोकोमोटिव में जाएगी और लोकोमोटिव से ये व्हील में जाएगी, जहां पर मोटर होगी हर व्हील में डीसी सीरीज मोटर। क्यों यूज करते हैं, फॉर हायर स्टार्टिंग टॉर्क। तो ये मैंने आपको सिंपल सा एक पूरा डायग्राम बना के आपको समझा दिया है कि डीसी करंट सिस्टम को कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो बस ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, वर्किंग वर्किंग आपसे कोई ऐसे नहीं पूछेगा, लेकिन इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा जैसे कि अभी मैंने नाम लिया मोटर का डीसी सीरीज मोटर, और इस मोटर को आप बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो, उसकी करेक्टरिस्टिक्स भी आपको याद होंगी अगर आप मशीन से अच्छे से पढ़ रहे हो, क्योंकि मशीन की क्लासेस भी हमें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं अंकित सर, ठीक है। तो डीसी सीरीज मोटर जो है उसकी स्पीड टॉर्क करेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से पता है, क्या होता है, आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क देती है। क्या देती है बेटा, ये आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क देती है। और मुझे स्टार्टिंग में क्या होता है, जाहिर सी बात है, आप सिंपल सा ऐसा एग्जाम्पल देखो ना गाइज, आप जब बाइक अपनी स्टार्ट करते हो तो पहले गियर लगाते हो, तो पहले गियर में स्पीड लो होती है लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क आपको बहुत हाई मिलता है, समझ रहे हैं। वो आपको कहां से, आपकी इनर्शिया को उठा लेती है, यानी मोशन में एक बार आ गए आप, तो एक बार मोशन में आ गए तो फिर आपको स्टार्टिंग टॉर्क की हाई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, ठीक है, इनका लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, स्मॉलर, जाहिर सी बात है डीसी सीरीज मोटर क्या है एज कंपेरिजन टू, यहां पर आपको क्या मिलेगा, जो मैं आपको पहले ही बता रहा था, रेशियो एक वेट पर किलोवाट आउटपुट, मतलब कम पावर लगाने पर मैं कम, जो मेरा वेट है, ओवरऑल वेट मेरा कम हो गया, आउटपुट मेरा पावर आउटपुट ज्यादा है, तो रेशियो मेरा ये कम हो गया, तो यानी मैं स्पीड क्या करूंगा, बहुत तेजी से पिकअप करूंगा, यानी बेटर स्पीड कंट्रोल, ठीक है। दूसरा, ब्रेकिंग आपने पढ़ी रखी है सारी की सारी, किस टाइप की ब्रेकिंग हम डीसी सिस्टम के अंदर यूज कर सकते हैं, एफिशिएंट ब्रेकिंग का यूज करके हम ब्रेक जब लगाएंगे तो हमारी गाड़ी भी एकदम से स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में रहने चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट्स एज एन ऑप्शन आपसे पूछे जा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, देखो सबसे बड़ा जो मैंने बताया आपको, हर किलोमीटर के ऊपर एक सब स्टेशन चाहिए, 3 से 5 पर अगर 600 वोल्ट पर यूज कर रहे हैं, और अगर 15 से 3000 कर रहे हैं तो 30 से 4, तो यानी आपके एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स हो गए, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट, कॉस्ट विल गोइंग हाई, जब कॉस्ट ओवरऑल सिस्टम की क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, जब मोर नंबर ऑफ, अब ऐसा तो है नहीं आपको 30 से 40 जाना है किलोमीटर, अगर आपको अच्छी खासी डिस्टेंस कवर करनी है तो आपको मोर नंबर ऑफ सब स्टेशन प्रोवाइड कराने पड़ेंगे पर स्पेसिफिक किलोमीटर्स पर, तो वहां पर क्या होगा गाइस, ओवरऑल कॉस्ट और आपकी बढ़ जाएंगी। फिर आपको सीरीज बूस्टर का भी इस्तेमाल करके रखना है, जिससे वोल्टेज लेवल आपका क्या बना रहे, लाइन में बना रहे, ठीक, एक स्पेसिफिक वोल्टेज आपका बना रहे, ठीक है, टू मेंटेन द रिटर्न वोल्टेज, ठीक, विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट, जो मैं आपको बता चुका हूं, आप प्लीज इन पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इनमें, सिंपल बातें ही। अब सेकंड है बेटा मेरा सिंगल फेस एसी सिस्टम, तो ये सिंगल फेस एसी सिस्टम बेटा लो फ्रीक्वेंसी वाला डिस्कस कर रहा हूं मैं,
पहले ही बता देता हूँ, 50 हर्ट्ज वाला मैं यहाँ अभी बात नहीं करूंगा, उसकी बात आराम से करेंगे इत्मीनान के साथ। सिंगल फेस एसी सिस्टम जो है, इसमें क्या यूज करते हैं गाइज, हम बस देखो मोटर का थोड़ा सा नाम बदल गया, एसी सीरीज मोटर यूज करेंगे। सप्लाई कितने से कितने तक, 15 केवी टू 25 केवी तक, और फ्रीक्वेंसी होगी मेरी 16:2/3, ये कुछ इस तरीके से लिखा बेटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी 50/3 हर्ट्ज, ठीक है, और 25 हर्ट्ज, ठीक है, विच इज स्टेप डाउन टू लोकोमोटिव। ये बात मैं आपको बिल्कुल वर्चुअलाइज करके दिखाऊंगा कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। बेटा देखो, आप ग्रिड से क्या करोगे, सप्लाई लोगे, ग्रिड से सप्लाई कितनी आएगी आपको, थ्री फेज की सप्लाई आएगी, 50 हर्ट्ज आएगी, और लाइन वोल्टेज आपका कितना होगा, 33 to 132 केवी लाइन, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक फ्रीक्वेंसी कवरिंग यूनिट, कन्वर्टिंग यूनिट का यूज करोगे, ये क्या करेगी, ये फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस्ड कर देगी, ये फ्रीक्वेंसी को क्या करेगी बेटा, रिड्यूस्ड कर देगी। तो यहां आपको वोल्टेज मिल जाएगा 15 to 25 केवी, ठीक है, 15 to, sorry guys, यहां पर आपको हाई वोल्टेज मिलेगा एट लो फ्रीक्वेंसी, फिर यहां पर ये कैटेनरी होगा, इस कैटेनरी से आपका करंट कलेक्टर कनेक्ट होगा, ठीक है, यहां से ये आएगा और यहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर फर्दर इसे रिड्यूस्ड करेगा कितने पे, 15 to 25 केवी एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50/30 हर्ट्ज या 25 हर्ट्ज, ठीक है गाइज। तो ये सिंपल से पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में बिल्कुल बता दिए मैंने स्टेप बाय स्टेप, तो अब ये चीज आपको याद रखी रहेंगी, ठीक है। तो आपसे अगर पूछे कि फ्रीक्वेंसी कन्वर्टिंग यूनिट से जो वोल्टेज मिलेगा वो हाई मिलेगा लेकिन फ्रीक्वेंसी विल गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है, तो यहां से आप देखो 50 हर्ट्ज था, यहां पर आपको कितना मिल रहा है, ये 25 हर्ट्ज। आपको चीज समझ में आ गई होगी, मूव ऑन करते हैं। अब बेटा सबसे बड़ी बात है, इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। ठीक है बेटा, कैसे स्पेसिंग होगी इसके अंदर सब स्टेशन की, बस एक एडवांटेज आपको मिल जाएगा, जहां आपके डीसी के अंदर कम डिस्टेंस पर सब स्टेशन सेटअप हो रहा था, यहां थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पे आप सब स्टेशन आप सेटअप कर सकते हैं, ठीक। लेकिन यहां पर क्या है, जो चेंज ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो नेसेसरी क्यों है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है, इंप्रूव्स इट्स कॉम्यूटेशन प्रॉपर्टी, या सिंगल एसी, ठीक है, अगर आप इस मोटर को जानते हैं तो आपको पता ही कुछ चेंज नहीं है, ठीक है, ये वही मोटर जो पहले पड़ी अभी हमने। पावर फैक्टर एंड एफिशिएंसी, और गाइस इट विल रिड्यूस, अगर देखिए एक्सेल आपको पता होता, इट इज ओमेगा एल एंड ओमेगा एल, इसे ओपन करेंगे हम तो आई गॉट एक्सेल इज इक्वल्स टू 2πfL, सो माय डियर इफ, एक मिनट, इफ आई रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी देन देयर विल बी ए रिड्यूस्ड इन लाइन रिएक्टेंस, और इफ देयर इज ए लाइन रिएक्टेंस विल गेटिंग रिड्यूस्ड, सो आपका वोल्टेज ड्रॉप विल गेटिंग रिड्यूस्ड, सो दैट वाइज जो आपका सब स्टेशन की स्पेसिंग हो रही है वो भी क्या हो गई, ज्यादा लेवल पे हो गई। तो एसी सिंगल फेज सिस्टम जो होता है बेटा वो किसके लिए अडॉप्ट करते हैं हम, मेन लाइन सर्विस के लिए, बस इतना याद रखना, मेन लाइन सर्विस के लिए हम इसका यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट है बेटा थ्री फेज लो फ्रीक्वेंसी एसी सिस्टम, ठीक है, तो मैं यहां पर थ्री फेज सप्लाई यूज करूंगा जिसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 300 to 3600 volt एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहां पर यूज करने वाली जो मोटर है, अब ये भी आपको याद रखना है, वी यूज्ड इंडक्शन मोटर, ठीक है, इंडक्शन मोटर के बारे में यहां पर अभी बाद में आते हैं, पहले थोड़ा सिस्टम समझ लेते हैं। तो बेटा आप देखो, आपका जो ग्रिड है यानी रेलवे जहां से सप्लाई लेगा, यानी ग्रिड तो आपको यही सप्लाई देगा, थ्री फेज 50 हर्ट्ज
33 केवी टू 132 केवी लाइन, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, आप जो फ्रीक्वेंसी करोगे, फिर से फ्रीक्वेंसी आप रिड्यूस कर दोगे यहां पर। एक मिनट गाइस, फ्रीक्वेंसी इज गेटिंग रिड्यूस्ड बाय, ठीक। फिर क्या होगा, ये लोकोमोटिव के अंदर जाएगी सप्लाई, जब सप्लाई जाएगी तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इसे क्या करेगा, हाई वोल्टेज को रिड्यूस करेगा लो वोल्टेज में, और फ्रीक्वेंसी हमारी पहले ही रिड्यूस्ड हो गई, इट इज प्रोवाइडेड टू थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं, इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं बेटा कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्यों। सबसे पहली बात तो बेटा सिंपल कंस्ट्रक्शन है इनका, रोबस्ट, यानी इतना रिजिड है, मतलब इतना सही कंस्ट्रक्शन है कि मैक्सिमम वर्ल्ड में भी जो इंडक्शन मोटर यूज होती है, 50% वर्ल्ड में हम जो मोटर यूज करते हैं वो इंडक्शन मोटर ही होती है, ठीक है। दूसरा, हाई एफिशिएंसी है, आप सभी को पता है, एज द लोड इंक्रीज, पावर फैक्टर इसका क्या होता है, इंप्रूव होता चला जाता है, इंप्रूव होता है तो एफिशिएंसी ओवरऑल विल गेटिंग इंप्रूव, ठीक है। दूसरा क्या है, यहां पर आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिलती है विदाउट रिक्वायर एनी एडिशनल इक्विपमेंट, ठीक है। तो बेटा आप इंडक्शन मोटर, वैसे आप इनसे, मैं ये मान के चल रहा हूं यहां पर आप इन सबसे फैमिलियर है, ठीक है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स से, उनके वर्किंग फंक्शन से, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये ऊपर से बता रहा हूं चीजें, क्योंकि मशीन से आई एम नॉट गेटिंग डील विद दी मशीन। सो आगे चलते हैं, डिसएडवांटेज क्या है बेटा, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हाई स्टार्टिंग करंट, ठीक है, ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है। तो स्टार्टिंग में ओवरऑल एफिशिएंसी विल गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है। तो यहां पर हाई स्टार्टिंग है, सॉरी एफिशिएंसी, यहां पर क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क हाई होगा तो हमारे लॉसेस क्या होंगे बेटा, इंक्रीज होंगे स्टार्टिंग में। दूसरा क्या है, टू ओवरहेड कॉन्टेक्ट वायर्स। अब बेटा थ्री फेज सिस्टम है तो जो ऊपर से सप्लाई यहां पर आपको मिल रही है, ठीक है, ये जो सप्लाई होगी यहां पर क्या होगा, आपका जो नंबर ऑफ वायर्स होंगे, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट वायर्स इंक्रीज्ड, ठीक है। तो ये एक इसके कुछ ड्रॉबैक है, सिंगल फेस होता तो वी विल यूज ओनली सिंगल फेस, बट यहां पर क्या है, यहां पर ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है। आगे चलते हैं, बाकी बेटा मैंने अभी आपको बताया था कैंडू सिस्टम, जिसके अंदर क्या करते हैं, सिंगल फेस को थ्री फेस में कन्वर्ट करते हैं या सिंगल फेस को सीधा डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर सिंगल फेस जो होगा, वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 25 केवी, और आपको जो नॉर्मल सप्लाई फ्रीक्वेंसी यहां पर यूज करेंगे, यूज टू डिस्ट्रीब्यूट पावर। तो यहां पर क्या करेगा, लोकोमोटिव में कन्वर्टर होगा, वो सिंगल फेस को क्या करेगा, थ्री फेस में कन्वर्ट करेगा, और ठीक है, सिंगल को थ्री फेस में कन्वर्ट करेगा, और ये थ्री फेस पावर कहां जाएगी, इंडक्शन मोटर्स के अंदर जाएगी, ठीक है। तो यहां पर एडवांटेज क्या हो गया, यहां पर एडवांटेज ये हो गया, वन कॉन्टेक्ट वायर हो गया, जो अभी आप टू या थ्री कॉन्टेक्ट वायर देख रहे थे, ठीक है। तो कैंडो सिस्टम से ये 1932 में हेंगरी में डेवलप हुआ था, ठीक है, 1932 में बेटा ये हंगरी में डेवलप्ड हुआ था। तो यहां से ये चीजें आपको पता चल गई, कैंडो सिस्टम में बस ये याद रखना है, सिंगल फेस टू थ्री फेस अगर कोई कन्वर्ट करता है तो कैंडो सिस्टम कहते हैं, और यहां पे कन्वर्जन जो है स्कॉट कनेक्शन और ओपन डेल्टा की हेल्प से करते हैं, ठीक है। तो यहां पे भी ये चीज मैं यहां आपको मैंने बता दी है। तो आगे चलते हैं, आप देखिए ग्रिड से आप सप्लाई लेंगे, सब स्टेशन में जाएगी, ठीक है, सब स्टेशन से जो सप्लाई मिलेगी वो आपको कैसी मिलेगी, थ्री फेस से सीधा, यहां पर सिंगल फेस, ठीक है, आपको सप्लाई मिलेगी यहां ट्रैक्शन, फिर यहां 50 हर्ट्ज यूज करेंगे, और वोल्टेज आपका मैं बता ही चुका हूं 25 केवी। ये सप्लाई सिंगल कॉन्टेक्ट वायर से कहां जाएगी, वन कॉन्टेक्ट वायर होगा यहां आपके लोकोमोटिव में जाएगी, लोकोमोटिव में थ्री फेस कन्वर्टर होगा, वो सिंगल फेस को कन्वर्ट करेगा
थ्री फेज में, और ये थ्री फेज पावर जाएगी इंडक्शन मोटर में, बट द फ्रीक्वेंसी हियर रिमेन सेम, या फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजेस गाइस नहीं किए गए हैं। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। आगे मूव ऑन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सिंगल फेज एसी टू डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। तो यहां पर हमारा इंडिया में ये वाला सिस्टम हम यूज करते हैं। ग्रिड से हम जो सप्लाई लेते हैं गाइस, थ्री फेज 50 हर्ट्ज लेते हैं, इतना वोल्टेज है लाइन, वो ट्रैक्शन सब स्टेशन में जाता है जहां से मुझे सिंगल फेज 50 हर्ट्ज 25 केवी मिलता है। फिर इसे लोकोमोटिव, सिंगल फेज सिंगल वायर होगा यहां पर, ठीक है, लोकोमोटिव में जाएगा। लोकोमोटिव में स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर उसके वोल्टेज को रिड्यूस्ड करेगा, ठीक है, फॉर कन्वर्टर पर्पस, यानी यहां तक आपको एसी मिल रही है, फिर जैसी कन्वर्टर से आएगी यहां पर आपको मिलेगी डीसी, ठीक है, रेक्टिफायर कन्वर्ट करके आपको क्या देगा, डीसी, और ये सीधा किस में जाएगी, डीसी सीरीज मोटर में। इसलिए हम कहते हैं कि ड्यू टू द हाई स्टार्टिंग टॉर्क वी यूज्ड डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है गाइस, इन्हें अपने माइंड में रखना। अब यहां पर जो आपका सब स्टेशन प्लेस्ड होगा, हाई वोल्टेजेस यूज करने की वजह से ट्रांसमिशन लॉसेज आपके रिड्यूस्ड हो गए, तो यानी आप लॉन्ग डिस्टेंस पे सब स्टेशन को क्या कर सकते हो बेटा, प्लेस्ड कर सकते हो, ठीक है, जहां डीसी के अंदर, ये कंपैरिजन बता रहा हूं बेटा, इट इज एडवांटेजेस ऑफ सिंगल फेस टू डीसी कन्वर्जन एट सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ओके गाइस, वहीं पर आप खुद देखिए डीसी के अंदर तो कितने सारे सब स्टेशन 5 से 6 किलोमीटर पर या 30 से 40 किलोमीटर पर ही लगाने पड़ रहे थे। डीसी सीरीज मोटर यूज कर रहे हैं तो ट्रैक्शन के लिए आइडियल करेक्टरिस्टिक्स मिल रही है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिल रहा है, यहां तो किसी को शक होना है, मतलब डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक। तो ओवरऑल कॉस्ट क्या होगी आपकी, यहां पर रिड्यूस्ड हो गई, ठीक, एज कंपैरिजन टू डीसी सिस्टम। अब बात करूंगा बेटा, कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों सिस्टम के बीच का, डीसी एसी, लेकिन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से, मेन लाइन और सब अर्बन लाइन। तो मेन लाइन क्या होती है, सब अर्बन लाइन क्या होती है, मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ कल डिस्कस करूंगा, क्योंकि कल का सेशन काफी अच्छा रहेगा, इसके अंदर काफी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। तो मेन लाइन के लिए जो रिक्वायरमेंट है गाइस, सबसे पहले क्या होता है, हाई स्पीड चाहिए आपको, दूसरा चाहिए आपकी कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, हम सिंगल फेज एसी सिस्टम को प्रेफर करते हैं, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मेन लाइन सर्विस के लिए। क्यों, क्योंकि जो 25 केवी वाला सिस्टम होता है वो रिड्यूस, देखो सारी चीजें हमें पता है कि हम हाई वोल्टेजेस का यूज करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन रिड्यूस होते हैं, कंडक्टर का साइज रिड्यूस होता है, तो पावर सिस्टम का ही एप्लीकेशन आप खुद देख रहे हो, रिड्यूस्ड कंडक्टर सेक्शन, हेंस सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ड्यू टू हाई वोल्टेज, ठीक है। दूसरा क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या होगी, यहां पर कम होगी, चीप होगा, एफिशियंट इक्विपमेंट ऑफ एसी सिस्टम की वजह से, ठीक है। और आपकी जो स्पेसिंग है सब स्टेशन की, वो क्या हो गई, रिड्यूस्ड हो गई, तो उसकी वजह से आपकी ओवरऑल कॉस्ट भी क्या हो गई, रिड्यूस्ड हो गई, यानी अब आपको कम सब स्टेशन की क्या करनी पड़ेगी, आपको, ठीक है, आपको जो कम सब स्टेशन है उनकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। सॉरी गाइस, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता बाहर की तरफ से, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको यहां क्लियर होंगे। सब अर्बन में अगर बात करी जाए तो यहां पर जो रिक्वायरमेंट है ना आपका, सब अर्बन मतलब शहर में जो चीजें, जैसे मेट्रो एकदम एक्सेलरेट हुई, रिटार्डेड हुई, है ना, तो आपको रैपिड एक्सेलरेशन चाहिए और रैपिड ही आपको रिटार्डेशन चाहिए, फ्रीक्वेंट स्टार्ट फ्रीक्वेंट स्टॉप लिखा हुआ। तो ऐसा सिस्टम जो वोल्टेजेस फ्लक्चुएशन से मतलब अफेक्ट ना हो पाए, ठीक है। और जो अब हम शहर में यूज करेंगे तो टेलीकॉम, ये तो अब पॉइंट पुराना हो चुका है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, टेलीकम्युनिकेशन लाइंस के अंदर इंटरफेरेंस प्रोड्यूस ना हो, ठीक। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो सिस्टम है हमारे लिए, जो
सब अर्बन के लिए रिक्वायरमेंट है, इट इज डीसी सिस्टम गाइस। क्या है ये? डीसी सिस्टम है। क्यों? क्योंकि एनर्जी कंजप्शन इन डीसी सिस्टम इज लेस एज कंपैरिजन टू एसी सिस्टम सर्टेन डिस्टेंस तक, ऐसा होता है ठीक है। और यहां पर जो होगा आपका लोकोमोटिव होगा डीसी मोटिव होगा डीसी से, तो आपकी लाइटर इन वेट होगा, चीपर होगा इनिशियल और मेंटेनेंस कॉस्ट एंड एफिशिएंट ठीक। जब आपका लाइटर सिस्टम होगा तो उसमें कॉस्ट भी आपकी कम लगेगी और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी वैसी कम होगा क्योंकि लेस नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स यू आर गोइंग टू बी यूज्ड ठीक। तो ये जो है दो बात हमें क्लियर हो गई। सिंगल फेज एसी सिस्टम के लिए हम यूज करेंगे हम मेन लाइन सर्विस को ठीक है, और सब अर्बन के लिए हम यूज करेंगे डीसी सिस्टम ठीक गाइज। तो यहां तक हमने पूरा जो कितने टाइप का सिस्टम था वो पढ़ लिया, क्योंकि इससे पहले वाले मैंने आपको ये जितने बताए गाइज यहां पर ठीक है, ये सारे के सारे क्या ना हम एक्सपेरिमेंट करते रहे, कुछ एडवांटेजेस रहे, जैसे डीसी सिस्टम था, सिंगल फेज एसी सिस्टम लो फ्रिक्वेंसी था ठीक, फिर उसके बाद थ्री फेज लो फ्रिक्वेंसी एसी सिस्टम था, इसमें भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज थे, लेकिन सबसे अच्छा जो सिस्टम केंडो सिस्टम भी आया, फिर जो सबसे अच्छा है जो आज भी हम यूज कर रहे हैं सिंगल फेज एसी टू डीसी सिस्टम ठीक। तो ये पॉइंट्स हैं। अब कुछ बात करेंगे बेटा करंट कलेक्टर्स के बारे में। तो बेटा यहां पर थ्री टाइप करंट के कलेक्टर्स हम यूज करते हैं। सबसे पहले बात है बेटा ट्रॉली कलेक्टर, तो कहां पर यूज करते हैं वो इंपॉर्टेंट है बेटा, ट्रामवेज में और ट्रॉली में। तो यहां पर देखिए बेटा ये वायर है और वायर के साथ ये एक तरीके की पुली है, और ये वायर के साथ साथ क्या होता है, ये जैसे जैसे गाड़ी बढ़ेगी वैसे वैसे ये रोटेट भी करता जाएगा ठीक। लेकिन ड्रॉबैक क्या है, इसका पुअर कॉन्टेक्ट बिटवीन होता है व्हील एंड ट्रॉली। आप खुद देखो, यानी ये जो आपका व्हील है और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है यहां पर क्या है, ये बहुत लो होता है ठीक है। तो इससे क्या है, आप इसे सिर्फ लो स्पीड के लिए यूज कर सकते हैं, 24 to 32 किलोमीटर, स्पेशली हम सिटीज में यूज करते हैं। कोलकाता आपने देखा होगा जहां पर ट्रामवेज चलते हैं, रोड पर ही चलते हैं, तो ऐसी जगह पर ट्राम, बस आपको ये याद रखना है ट्रॉली कंडक्टर कलेक्टर जो यूज होगा वो ट्रामवेज और ट्रॉली बसेस के लिए यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं कलेक्टर बेटा, नेक्स्ट है मेरा बाउ कलेक्टर। तो बाउ कलेक्टर के अंदर क्या होता है, आप देखिए यहां पर ये एम्प्लॉयड करा जाता है ट्रामवेज के लिए ठीक है। अब इसमें क्या होता है, लाइट मेटल का हम यूज करते हैं, ये देखिए बाउ पोल्स ठीक है, ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये आपका बाउ कलेक्टर है ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये पूरा जो वायर है कॉन्टेक्ट, ये जो है इट्स अबाउट 6.9 टू 0.9 मीटर का होता है ठीक है। और फ्रेम आउट ये पूरा का पूरा इस तरीके से, यहां पर जो आपका इंजन है उसके रूफ पर ये माउंटेड होता है ठीक है, ये रूफ है हमारा वर्टिकल रूफ इंजन का ठीक है, उसके ऊपर ये माउंटेड होता है ठीक है बाउ। और ये आपके लिए क्या करता है, करंट को यहां से ये कलेक्ट करता है ठीक ठीक। तो दूसरा पॉइंट क्या बेटा, ये इतना आपको पता होना चाहिए, इट मोर देन इनफ है, बाकी पॉइंट्स मैं आपको यहां पर लिखवा चुका हूं। इसका बाउ का जो एडवांटेज मिला हमें, जो इसके अंदर डिसएडवांटेज था कि इसे सिर्फ यूज कर सकते थे 24 to 32 किलोमीटर तक, यहां पर हम मैं इसे यूज कर सकता हूं हाई स्पीड के लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके लिए अंडरलाइन कर देता हूं, जो आपको पता होने जरूरी है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने। दूसरा बात क्या, बिल्कुल मिड पॉइंट पर होता है ठीक। तो ये बाउ कलेक्टर होता है ठीक। अब ये जितने भी बाउ कलेक्टर हैं गाइस, दीज आर रिप्लेस्ड बाय द पेंटाग्राफ आइसोलेटर, पेंटाग्राफ कलेक्टर ठीक है। ये सारे के सारे क्या हो चुके हैं आज की डेट में, मैक्सिमम रिप्लेस्ड हो चुके हैं
ठीक है, पेंटाग्राफ कलेक्टर के द्वारा ये रिप्लेस हो गए। देखते हैं पेंटाग्राफ कलेक्टर को। देखिए आपने देखा होगा कि इस तरीके से एक सिस्टम रहता है जो वायर से कनेक्टेड रहता है, आपको दिख भी रहा है, दिस इज अवर पेंटाग्राफ आइसोलेटर। ठीक है, इसकी खासियत क्या है, इट इज यूज्ड एट वेरी हाई स्पीड, ठीक है, यानी 130 किलोमीटर पर आवर कितना करंट कलेक्ट करता है, 2000 to 300 एम्पियर। ठीक है, और किस मेटल के बने होते हैं, कॉपर और ब्रॉन्ज इंसर्टेड। ठीक है, पेंटोग्राफ जो होते हैं आपके, इसके बने हुए होते हैं। तो देखो हमने करंट कलेक्टर जो है पूरे मशीन के पढ़ लिए, कल हम इसका लेआउट भी पढ़ेंगे गाइस, काफी इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी कल। सो अब आज का जो सिनारियो था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी ट्रैक्शन के बारे में, फिर हमने इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम पूरा पढ़ा, ठीक है, उनके एडवांटेजेस पढ़े, डिसएडवांटेजेस पढ़े, ट्रैक्शन के एडवांटेजेस पढ़े, डिसएडवांटेजेस पढ़े इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के। ठीक है, हमने करंट कलेक्टर्स को पढ़ा, ठीक है, और उन्हें समझा। अब क्या है, अब आगे चलते हैं। अब है अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको कैसे लेना है। पहले साइट पे जाएंगे, गेट ESC का गोल सेलेक्ट करेंगे, सब्सक्रिप्शन बटन दबाएंगे, सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करेंगे 2 ईयर का, इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ थर्ड ईयर, 1 साल सारा सिलेबस पढ़ो, 4th ईयर में उसे रिवाइज करो, अपेयरिंग फाइनल ईयर में पेपर दो, क्रैक करो, घर जाओ। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, कोड अप्लाई करो, राहुल 11 पूरा पैसा देने की जरूरत नहीं है, 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और फाइनल क्लिक ऑन पे EMI ऑप्शन अवेलेबल है। अब आज का सवाल, ठीक है, देखते हैं कौन मेरे सवाल का जवाब देगा। बेटा मुझे आप ये बताइए, कैंडो सिस्टम क्या होता है वो बताइएगा, कितनी फ्रिक्वेंसी पर यूज करते हैं, और अगर मैं 3000 वोल्ट पर DC सप्लाई यूज करता हूं तो मुझे कितने किलोमीटर पर सब स्टेशन लगाना पड़ेगा। और एक स्पेशल क्वेश्चन आज का, स्पेशल क्वेश्चन है WAG2A का क्या मतलब है, जो कमेंट में करके बताएगा इन सारे सवालों के आंसर, मैं उसका नाम लूंगा कल वीडियो में। मैंने देखा बहुत से बच्चे हैं, श्रेया है, विवेक विश्वकर्मा है, साजन है, दिवाकर है, दे आर रेगुलरली कम फॉर माय क्लास, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी कमेंट में मुझसे बात करते हैं। कल अंकित नाम का भी एक लड़का आया था, तो गाइज वहां पर मैं कमेंट में अवेलेबल रहता हूँ आपके साथ, तो प्लीज क्रिएटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, धूम मचा दो इलेक्ट्रिकल वाले सारे के सारे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो भी हैं। ठीक है, और बी काइंड टू ईच अदर, हेल्प टू ईच अदर, अपने सेहत का भी ध्यान रखें, तैयारी भी करें। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।